नमस्कार, हमारा आज का मेडिकल टर्म है हाइपोगोनेडिज्म। आज इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। हाइपोगोनेडिज्म अकर्स व्हेन सेक्स ग्लैंड प्रोड्यूसेस लिटिल और नो सेक्स हार्मोन्स। हाइपोगोनेडिज्म उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें कि जो सेक्स ग्लैंड्स होती हैं मेल और फीमेल में जो पाई जाती हैं उसमें या तो लिटिल बहुत कम या फिर नो सेक्स हार्मोन हो। द सेक्स ग्लैंड ऑल्सो कॉल्ड गोनेड्स, जो सेक्स ग्लैंड्स होती हैं उनको गोनेड्स भी कहते हैं, आर प्राइमरली द टेस्टिस इन मैन एंड ओवरीज इन वोमेन। ये टेस्टिस होते हैं मैन में और ओवरीज होती हैं वोमेन में। हाइपोगोनेडिज्म में ऑल्सो वी नोन एज गोनेड डिफिशेंसी। हाइपोगोनेडिज्म को गोनेड डिफिशेंसी भी कहते हैं। मेल हाइपोगोनेडिज्म ऑल्सो नोन एज टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी। मेल में जब हाइपोगोनेडिज्म की कंडीशन होती है तो उसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी। इज ए फेलियर ऑफ द टेस्टिस टू प्रोड्यूस ऑल द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, स्पर्म और बोथ। इसमें क्या होता है, जो सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, वो कम या फेलियर हो जाता है उसको बनने में, स्पर्म बनने में या फिर दोनों ही बनने में। हाइपोगोनेडिज्म इन फीमेल्स डिस्क्राइब द इनएडुकेट फंक्शन ऑफ ओवरीज। यदि फीमेल में होता है तो इसका मतलब है कि ओवरीज का इनएडुकेट फंक्शन हो रहा है, विद इम्पेयर्ड प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल, एग कम प्रोड्यूस हो रहे हैं या इम्पेयर्ड प्रोडक्शन हो रहा है, एंड सेक्स हार्मोन जो कि फीमेल में होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, उनका भी इम्पेयर्ड प्रोडक्शन इसमें होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।